हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने इससे पहले वीडियो में कवर करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द अबो फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये दो फिगर दी हुई हैं जो कि पैरेललोग्राम है, RISK एंड सेकेंड फिगर CLUE। ये दो फिगर हैं जो पैरेललोग्राम हैं और इनमें ये एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये हमें यहाँ पर इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं O, EOS। ये एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, ये एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। पहले तो इस वाले जो पैरेललोग्राम है, इस वाले पैरेललोग्राम में हमें ये एस की वैल्यू हम फाइंड कर लें एंड फिर इस पैरेललोग्राम में CLUE में ये ई की वैल्यू हम फाइंड कर लें। अगर हम ये दो वैल्यू फाइंड कर लें तो ये एक्स की वैल्यू हमारी फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगी। ट्रायंगल वाली हम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि तीनों जो ये एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है, उस एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसकी एक्स की वैल्यू ये निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इस वाले पैरेललोग्राम को देखते हैं, RISK। सॉल्यूशन करते हैं, इन पैरेललोग्राम RISK, RISK में देखते हैं ये एंगल के और एंगल ये एस, ये दोनों हैं एडजेसेंट एंगल, तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें पैरेललोग्राम की यूज करते हैं और एंगल एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो एंगल हम इसमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के प्लस एंगल एस, एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। और जो प्रॉपर्टी लगाई है उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, ये होती है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो एंगल के की वैल्यू हमें दी हुई है 120 डिग्री, प्लस एंगल एस की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एस को हमें फाइंड करना है तो एंगल एस को बाहर निकाल लेंगे, एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री तो अपनी जगह पर ही है और ये इधर प्लस का है 120 डिग्री, तो इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 120 डिग्री। एंगल एस इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 80 से 20 को माइनस किया 60 डिग्री, 170, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल एस की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें चाहिए ई की वैल्यू, तो ई की ई है CLUE में, तो हम नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम ले लेंगे CLUE, इन पैरेललोग्राम CLUE। तो ये पैरेललोग्राम देखते हैं हम CLUE, इसमें हमें एंगल ये ई की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें एंगल ई की वैल्यू तो हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगी, अपोजिट एंगल जो है इसमें पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल हमें एंगल एल दिया है 70 डिग्री, तो ये भी एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और एंगल ई हम इसमें फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा एंगल एल के, और हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसका भी नाम लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ई तो हमें फाइंड करना ही है, एंगल ई और एंगल एल दिया हमें दिया है 70 डिग्री, तो एंगल ई भी हमारा आ गया 70 डिग्री। अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल बन गया ई एस ओ, इसको नाम दे दिया था हमने ओ, इसको इस ट्रायंगल को लेंगे हम, ये वाला हमारे पास एंगल आ गया, ये भी एंगल आ गया, अब एंगल एक्स यहाँ से हम ये फाइंड कर देंगे। तो एंगल इसमें लिख देते हैं, इन ट्रायंगल
ई एस ओ, तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस ये ओ को, जो ये एंगल मैं को बोल रही हूं इसी को उसने एक्स बोला है, तो हम यहां पर इसको एक्स ही लिखेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एक्स, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ लिख देंगे, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ही, एंगल ही हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, एंगल ही कितना आया है 70 डिग्री, प्लस एंगल एस भी हमने निकाल लिया था 60 डिग्री, प्लस एंगल एस हमें फाइंड अभी करना है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री 60 डिग्री को प्लस कर देंगे, इनका सम हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, उसको बाहर निकाल लेंगे, एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री अपनी जगह पर ही है, और ये 130 इधर प्लस का था, उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का। एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 180 से 130 को माइनस किया तो ये आ गया 50 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।